किसी का कोई क्वेश्चन हो लास्ट लेक्चर के बारे में तो मोस्ट वेलकम। नो सर। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लास्ट टॉपिक इन फैक्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 दैट इज अबाउट कॉमन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। सो द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग, बिजनेस ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, सर्वाइवल, मैक्सिमाइजिंग सेल्स रेवेन्यू, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू, सोशल वेलफेयर, वैल्यू एडिशन, ट्रिपल बॉटम लाइन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड विल बी डिस्कसिंग ईच ऑब्जेक्टिव वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो लेट्स डिफाइन प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। नाउ दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट। And remember, this is a formula for total profit. If we want to calculate profit per unit, the formula will be different. And profit is always defined on total basis. That you should keep in mind. Now, profit maximization means increasing this value to make it maximum. How can we make it maximum? By increasing total revenue or by decreasing total cost. See, this is total revenue. For example, $500. This is total cost, for example, $300. And the gap between these two, which is $200, that is the profit. And how to maximize that? By stretching it upwards or by decreasing this total cost. That will increase this gap. So, profit maximization means increasing the profit to a maximum value. So, let's define profit maximization. Producing and selling an output. Remember, the words are very carefully selected. Each word is important. Producing some output means there will be some cost. And selling that output means there will be some revenue. So production has cost, sales has revenue. So producing and selling an output, which gives the greatest positive difference between total revenue and total cost, that is called profit maximization. ये बेटा यहाँ पर ये जो positive difference का word है इसका क्या मतलब है? कि the value should be positive और total revenue ज़्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल। greater than total cost होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये positive difference आएगा तो ही इसको profit कहेंगे। अगर negative difference आ गया तो इसको loss कहेंगे। और अगर zero difference आ गया तो क्या कहेंगे? Break even. तो प्रॉफिट को हम जब डिफाइन करते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो इसकी तीन टाइप्स आगे जाके बनती हैं। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ग्रेटर हो तो आंसर आता है पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल आ जाएं तो आंसर ज़ीरो आ जाता है और इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन। और अगर टोटल रेवेन्यू लेस हो टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसको कहते हैं लॉस। तो पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब है प्रॉफिट होना चाहिए और ग्रेटेस्ट पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। सो प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन आउटपुट विच गिव्स द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, उनका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में। सो व्हाई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, व्हाई डू प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ट्राई टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट? देयर आर रीजंस फॉर दैट। नंबर 1, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द ओनर। ओनर इज द वन हु हैज टेकन फाइनेंशियल रिस्क बाय पुटिंग मनी इन इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? अगर ओनर ने फॉर एग्जाम्पल $50,000 की इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने ये $50,000 रिस्क पे डाला है। रिस्क का क्या मतलब होता है? चांस ऑफ फ्यूचर लॉस। रिस्क का बेटा क्या मतलब है? चांस ऑफ फ्यूचर लॉस, कि उसका ये पैसा डूब सकता था, जाया हो सकता था, बिजनेस फ्लॉप हो सकता था और उसने ये रिस्क लिया। अब $50,000
रिस्क लेकर उसने इन्वेस्टमेंट की तो उसका कोई रिवॉर्ड भी बनता है। रिवॉर्ड क्यों बनता है? फॉर एग्जाम्पल उसको रिवॉर्ड हम कहते हैं उसको $10,000 का रिवॉर्ड मिलना चाहिए अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। ये रिवॉर्ड क्यों जरूरी है और ये हाई होना क्यों जरूरी है? उसकी वजह ये है, जितना ये रिवॉर्ड हाई होगा उतना ही इन्वेस्टर्स को एनकरेजमेंट मिलेगी और वो ज़्यादा रिस्क लेंगे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस कंट्री में प्रॉफिट बिजनेसेस को ज़्यादा हो रहा हो तो उस बिजनेसेस में, उस कंट्री में ओनर्स ज़्यादा रिस्क लेते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अगर आप कह दें कि रिवॉर्ड ज़ीरो है, कोई रिवॉर्ड नहीं, तो फिर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ओनर को एनकरेज करने के लिए, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स को एनकरेज करने के लिए ये रिवॉर्ड बहुत जरूरी है एंड इट इज देयर ड्यू राइट। नथिंग बैड विद द प्रॉफिट। कोई भी बंदा अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके काम कर रहा है तो उसका हक है प्रॉफिट लेना। अच्छा जी, प्रॉफिट इज नीडेड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का बेटा क्या मतलब है? इंक्रीज इन साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस साइज को बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने दो ब्रांचेस और खोलनी है, पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? जो पिछले सालों में प्रॉफिट हो चुका है वो प्रॉफिट आप सेविंग में रखते हैं और वही प्रॉफिट फिर यूज करके बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। सो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस दे एक्सपैंड फर्दर एंड देयर इज बिजनेस ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इन दैट। जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं या जिनको प्रॉफिट नहीं होता वो फिर ग्रो नहीं कर सकते। प्रॉफिट इज नीडेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब आप समझ लो, दो चीज़ें इसमें आती हैं। एक चीज़ तो ये है कि नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना। आप नए प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हो, प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करना है, नया डिज़ाइन कैसे लेके आना है, नए फीचर्स कैसे ऐड करने हैं। मेडिसिन कंपनीज नई नई मेडिसन्स के ऊपर रिसर्च करती हैं, मोबाइल फ़ोन कंपनीज नए नए फीचर्स के ऊपर रिसर्च करती हैं। उस रिसर्च के लिए उन्हें पैसा चाहिए क्योंकि उन्होंने लैब्स बनानी हैं, इंजीनियर्स रखने हैं, साइंटिस्ट रखने हैं, उन्हें इक्विपमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर पैसा लगता है। वो पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। अगर एक बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस है तो उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसे खर्च करने के लिए कोई भी अमाउंट नहीं होती और वो नए और बेटर प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकता। तो अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वो R&D के ऊपर स्पेंडिंग करेगा तो कस्टमर्स को भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दूसरी चीज है न्यू प्रोसेसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करना है, उसमें क्या स्पीड को कैसे इंप्रूव करना है, रॉ मटेरियल वेस्टेज को कैसे कम करना है, इसके अलावा मार्केटिंग नई टेक्निक्स को कैसे यूज करना है, वो ये सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करती हैं। सो R&D के ऊपर पैसा चाहिए जो प्रॉफिट से आएगा। प्रॉफिट इज अ सिंबल ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में लोग या स्टेक होल्डर्स यही समझेंगे कि ये एक कामयाब बिजनेस है, तो इट इज द सिंबल ऑफ सक्सेस। नॉट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मीन्स अ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल आपको चांस मिला, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते थे, आपने नहीं किया क्योंकि आपने ये ऑब्जेक्टिव नहीं रखा, सो इट मीन्स यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। सो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच फर्म्स ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड देर इज नथिंग रॉन्ग विद इंक्रीजिंग और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। Higher profit will attract competitors which will take it away. अब ये कैसे होगा? अच्छा जी, हुआ ये कि पाकिस्तान बल्कि मुल्तान में, मैं कह दूं कि मुल्तान में 2003-04 में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है पिज्जा हट। ये 2003-04 में स्टार्ट हुआ। उस वक्त कोई भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट ऐसा नहीं था पूरे मुल्तान में जो पिज्जा बना के सेल कर रहा हो। दैट वाज द फर्स्ट रेस्टोरेंट मेकिंग पिज्जास इन मुल्तान। अब इसने पिज्जास बेचना शुरू कर दिए और इसको प्रॉफिट होना शुरू हो गया एंड दैट लेवल ऑफ प्रॉफिट वाज वेरी हाई। बाकी इन्वेस्टर्स ने भी देखना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता और पिज्जा मेकर्स मार्केट में एंटर होना शुरू हो गए।
अब आज मुल्तान में देखें बहुत सारे जगहों पर आपको पिज़्ज़ा मिलता है, अलमायदा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ट्रैक, pizza.com, पता नहीं 14th Street पिज़्ज़ा, हर जगह पर पिज़्ज़ा मिल रहा है। ये अब जब बाकी लोग एंटर हो जाते हैं और बिजनेसेस एंटर हो जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है, जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। तो हाई प्रॉफिट की एक लिमिटेशन ये है कि वो शॉर्ट रन में तो आप हाई प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में और बिजनेसेस मार्केट में एंटर हो जाते हैं। और वो बिजनेसेस क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 14th स्ट्रीट पिज़्ज़ा एंटर हो गया, उसने पिज़्ज़ा हट के कुछ कस्टमर्स अट्रैक्ट कर लिए, वो इधर आ गए कस्टमर्स, तो पिज़्ज़ा हट की सेल और रेवेन्यू और प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो ये जितने और कंपेटिटर्स आते जाएंगे इतना ही प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ सेटिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनी फर्म्स दे परसू अदर ऑब्जेक्टिव्स एज वेल लाइक सेल्स मैक्सिमाइजेशन। कई बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लॉन्ग रन में रखते हैं और शॉर्ट रन में और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, जिस तरह सेल्स को बढ़ाना। सेल्स को बढ़ाने का मतलब है ज़्यादा क्वांटिटी सेल आउट करना या ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, उसके लिए वो प्राइस डिक्रीज भी कर देते हैं, डिस्काउंट्स भी लगा देते हैं, स्पेशल ऑफर्स भी लगा देते हैं ताकि हमारी सेल्स बढ़े। अच्छा जी, ओनर्स ऑफ स्मॉल फर्म्स मे वॉन्ट टू रिटेन कंट्रोल। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि बाज़ दफ़ा सेल्स बढ़ानी होती है, बाज़ दफ़ा मार्केट शेयर बढ़ाना होता है। So profit is not the only objective. There might be some other objectives which at times firms pursue or try to achieve. Small firms, if we talk about the small firms, the owners of small firms, they do not pursue profit maximization. They want to retain control and independence instead of profit maximization. So they, most of the owners of small firms, they keep the small firm small, because they are easy to manage and it is 100% of their control and they are independent and all that. They love freedom and all that. So they do not go for profit maximization and business growth. Return on capital employed, ROCE, is a better figure to analyze business performance. In our last slide, we have discussed that profit is the symbol of success of the business. It means we can use profit in order to measure the performance of business, whether business is performing good or performance of business is bad. So if business is profitable, then we can say business performance is good and business is successful. But there are some other methods in order to evaluate or analyze the performance of business. And one of them is return on capital employed. And return on capital employed is considered as a better figure in order to analyze or evaluate the performance of business. Let me give you an example for that. Let's suppose we have the examples of two businesses, business firm A and business firm B, and we have their data for 2019. Let's suppose we have the data about their profits. And let's suppose business firm A has achieved profit of $50,000 and business firm B has generated or earned profit of $20,000. Now, can you tell me which business is more successful out of A and B? A business. A. Why are you saying this? Because sir, unka profit is higher. So profit of business firm A is greater than profit of business firm B. So we can say that business firm A is more successful as compared to business firm B. But this conclusion or this opinion about the performance of business may be wrong. Let me show you how. Let's suppose we have another data, which is the data about capital employed. What is capital employed? It is total long-term investment in the business. So let's suppose here
कैपिटल एम्प्लॉयड इज $500,000 एंड हियर कैपिटल एम्प्लॉयड इज $40,000, राइट। यानी बिजनेस फर्म बी ने 40,000 की इन्वेस्टमेंट करके 20,000 प्रॉफिट जनरेट किया है, और बिजनेस फर्म ए ने 500,000 की इन्वेस्टमेंट करके, 0.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके $50,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब हम एक रेशो या एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट अ रेशो। वी कॉल दिस रेशो एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, एंड दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो लेट्स कैलकुलेट इट फॉर बिजनेस फर्म ए। प्रॉफिट इज 50,000, इन्वेस्टमेंट इज 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, सो द आंसर विल बी 10%। एंड लेट्स कैलकुलेट इट फॉर बिजनेस फर्म बी, 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, द आंसर विल बी 50%। नाउ व्हाट डज दिस रेशियो मींस, 10% का क्या मतलब है और 50% का क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी ओनर या इन्वेस्टर $100 की इन्वेस्टमेंट करेगा बिजनेस फर्म ए में, तो उसे $10 का रिटर्न मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, और बिजनेस फर्म बी में उसे $50 का प्रॉफिट मिलेगा एनुअली। तो अब बताएं कौन सा बिजनेस सक्सेसफुल है, किस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे? बी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि बी में इन्वेस्टमेंट करके आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो अब जो इनिशियल आपकी ऑब्जर्वेशन थी अबाउट द सक्सेस ऑफ द बिजनेस वो गलत हो गई, क्योंकि ROCE बेटर इंडिकेटर है बिजनेस परफॉर्मेंस का। सो नाउ वी कैन से दैट बिजनेस फ्रॉम बी इज मोर सक्सेसफुल और परफॉर्मिंग बेटर एज कंपेयर टू बिजनेस फ्रॉम ए देन बिजनेस फ्रॉम ए। सो प्रॉफिट इज नॉट द ओनली इंडिकेटर ऑफ मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, देयर आर अदर बेटर इंडिकेटर्स विच कैन बी यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, वेदर बिजनेस इज परफॉर्मिंग गुड और वेल और वेदर बिजनेस इज परफॉर्मिंग इन पुअर वे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव। ट्रेडिशनल मीन्स दैट इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनर्स, बिकॉज these are the owners who are interested in getting maximum profit, because whatever profit they will get, that will be the reward for the owners. But profit is not the objective of other stakeholders. For example, let's suppose managers, earning maximum profit is not the objective of the managers, employees. Similarly, let's suppose suppliers, let's suppose customers. So different stakeholders, they might be having different objectives which are different than profit maximization. Now what is the implication of that? Is point ka matlab kya hai? Is point ka meaning ye hai ki ek business mein decision making ko sirf owners nahi aur bhi stakeholders affect kar rahe hote hain. तो अगर स्टेक होल्डर्स ओनर्स डोमिनेंट हैं फिर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन अगर मैनेजर्स डोमिनेंट हैं, एम्प्लॉयज डोमिनेंट हैं या और स्टेक होल्डर्स डोमिनेंट हैं, तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं चलेगा। सो देयर माइट बी अदर ऑब्जेक्टिव एज वेल। इन प्रैक्टिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द लेवल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये फाइंड आउट करना, कितनी क्वांटिटी बेचें तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये फाइंड आउट करना रियल लाइफ में एक मुश्किल काम है। आज का लेसन हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द क्लास। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।